फ्रेंड्स, मैं ना लाइट हाउस के नीचे हूँ। अगर आप भी लाइट हाउस के नीचे आने की सीक्रेट ट्रिक जानना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे हाँ हाँ छोटे यार, मैं तेरे से कह तो रहा हूँ कि अगर तेरे को वो सब जानना है ना, तो पहले तेरे को ये जो मिलिट्री मैन है ना इस मिलिट्री बेस में, इन सबको हवा में टांगना होगा। उसके बाद जो है ना, तू मेरे को इसमें से टैंक ला के देना, जो आर्मी टैंक होता है। उसके बाद मैं तेरे को वो सीक्रेट ट्रिक बता दूंगा। बस तेरे को इतना सा काम ही तो करना है, जाके कर देना, फिर मैं तेरे को वो सब कुछ बता दूंगा। ठीक है कर्नल अंकल, देखो मैं जो ना अभी जाता हूँ और तुम्हारा ये काम करके आता हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे को बता देना। अरे हाँ हाँ यार छोटे, बिल्कुल बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, देखो मेरे को जो ना कर्नल अंकल ने बोला है कि इस मिलिट्री बेस में जितने भी मिलिट्री मैन है ना, इन सबको मेरे को हवा में टांगना है। तो सबसे पहले देखो मैं जो ना यहाँ पे एरो स्टेट गन ले लेता हूँ। एंड फ्रेंड्स देखो, अभी जो ना मैं एरो स्टेट गन ले ली है, एंड अभी पहले इसको टांगता हूँ तेरी ऐसी की तैसी। और भाई साहब देखो, इतने सारे मिलिट्री मैन ये कहाँ पे आ गए, मतलब के फ्रेंड्स ये कहाँ से आ गए, अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। ओ भाई मैं क्या करूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी, इतने सारे हैं ये, और ये जो ना सभी मेरे ऊपर फायर कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही यहीं पे खड़ा रहना तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जो ना मैं यहाँ पीछे छिप चुका हूँ। और जैसे जैसे यहाँ पे मिलिट्री मैन आते जाएंगे ना, उन सबको मैं मारता जाऊंगा। ओ भाई साहब ये आया देखो तैसी, और जैसे जैसे आते जाएंगे ना, एक और आ रहा है निकल। ओ भाई साहब अभी ये क्या हुआ, चलो ये भी लटक गया। और अभी देखता हूँ एक और आए क्या यहाँ पे। ओ भाई साहब देखो कितनी दूर से मेरे ऊपर फायर कर रहा है, अभी इसको बताता हूँ। एंड फ्रेंड्स अभी आप देख ही सकते हो यहाँ पे जो ना सिर्फ एक ही मिलिट्री मैन बचा हुआ है। और ये क्या, मैंने इसके ऊपर फायर किया और इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा, अभी ये भी लटक चुका है। ओ फ्रेंड्स ये देखो यहाँ से, यार ये कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और अपनी गन में एमो भी खत्म हो गई थी, मैंने इसको दोबारा से रिलोड कर लिया है। और इन, ओ भाई ये क्या है, मतलब के फ्रेंड्स देखो मैंने जो ना इसके ऊपर दो फायर कर दिए, और ये जो ना, ओ फ्रेंड्स ये लटक क्यों नहीं रहा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। फ्रेंड्स मेरे को क्या करना चाहिए। ओ फाइनली गाइस देखो, अभी जो ना ये लटक चुका है और अपना काम भी फाइनल हो चुका है। मतलब के फ्रेंड्स देखो, जो कि मेरे को कर्नल अंकल ने बोला था कि ना सभी मिलिट्री मैन को हवा में टांगना है, वो सब काम मैंने कर दिया है। और अब जो ना सिर्फ मेरे को ये टैंक चुरा के और कर्नल अंकल को दे के आना है। तो जल्दी से जो ना इसमें बैठ के, और अभी जो ना जल्दी से इसको यहाँ से लेके चलता हूँ, इससे पहले कि मेरे पीछे पुलिस लग जाए। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे पीछे ना 3 स्टार लगा हुआ है। ओ भाई ये क्या हो गया, मतलब के कर्नल अंकल कहाँ गए। ओ यार फ्रेंड सिट, ये क्या हो गया यार, मैंने कर्नल अंकल को ही उड़ा दिया यार, लेकिन मैंने नहीं उड़ाया यार, वो फाटक बीच में आ गया ना, तो उसकी वजह से कर्नल अंकल का पता ही नहीं चला यार कहाँ पे चले गए। खैर अभी जो ना इनको दोबारा बुलाता हूँ मैं, एंड देखो अभी देखते हैं। एंड फ्रेंड्स फाइनली अभी देखो कर्नल अंकल यहाँ पे आ चुके हैं, तो जल्दी से जो ना कर्नल अंकल के पास चलता हूँ और इनसे जो ना वो सीक्रेट ट्रिक मालूम करता हूँ। अरे कर्नल अंकल तुम कहाँ चले गए थे यार, मैं नहीं बताऊंगा। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं कर्नल अंकल, मत बताओ यार मत बताओ, लेकिन अभी जो ना मैंने तुम्हारा काम फाइनल कर दिया है। देखो तुमने बोला था कि सभी मिलिट्री मैन को हवा में टांगना है, मैंने जो ना सभी मिलिट्री मैन को हवा में भी टांग दिया है। और तुमने मेरे को बोला था कि टैंक ला के मेरे को देना है, तो देखो तुम्हारे पीछे जो ना टैंक भी खड़ा हुआ है। और अभी जो ना टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है देखो, और जल्दी से जो ना तुम मेरे को वो सीक्रेट ट्रिक बताओ, जिससे कि मैं ये लाइट हाउस को नीचे की साइड से देख सकता हूँ। हाँ हाँ छोटे यार, तूने मेरा इतना काम निकाल दिया, मैं तेरे को वो सीक्रेट ट्रिक ही नहीं बताऊंगा कि जल्दी से। 1 minute 37 seconds later. थैंक यू कर्नल अंकल, थैंक यू। एंड फाइनली गाइस देखो, मेरे को जो ना कर्नल अंकल ने वो सीक्रेट ट्रिक बता दी है, जिससे जो ना मैं लाइट हाउस को नीचे से देख सकता हूँ। अच्छा, बस अभी जो ना मेरे को सिर्फ लाइट हाउस पे जाना है, और उसके बाद जो है ना मेरे को वहां पे जाके वो सीक्रेट ट्रिक करनी है जो कि मेरे को कर्नल अंकल ने बताई है। और बस उसके बाद जो है ना मैं लाइट हाउस के नीचे पहुंच जाऊंगा और इसको जो है ना नीचे से देख लूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको भी इसको नीचे से देखना है ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। एंड हाँ फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जो ना आपके लिए डेली ऐसे धमाकेदार वीडियो लेके आता रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स देखो, अभी जो ना मैं अपनी कार को पहले तो लाइट हाउस के टॉप पे लेके चलता हूँ, बट इसको जो ना बहुत ही हार्ड चैलेंज है यार, ये जो ना बहुत मुश्किल से होता है, यहाँ पे जो ना कभी कभी गाड़ी चढ़ती भी नहीं है। खैर फाइनली गाइस देखो, अभी जो ना मैं लाइट हाउस पे तो आ चुका हूँ। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, मैंने क्या किया यार, यहाँ पे देखो मेरे पीछे जो ना मिनी रोबोट भी है, और ये जो पुलिस वाले ना ये भी मेरे पीछे पड़ गए यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। खैर अभी जो ना उस सब बात को छोड़ते हैं, और जो मेरे को उन कर्नल अंकल ने मेरे को सीक्रेट ट्रिक बताई ना, वही करने चलते हैं। तो फ्रेंड देखो, उसको करने के लिए जो ना मेरे को कुछ भी नहीं करना, सिंपली से जो ना अपनी शॉप में चले जाना है। एंड फ्रेंड देखो, अभी जो ना शॉप में आके मेरे को यूनिक वाले ऑप्शन में जाके अपना जो जेट पैक होता ना इसको एक्यूब कर लेना है, और उसके बाद जो ना ट्रांसफार्मर वाले ऑप्शन में जाके ना किसी एक ट्रांसफार्मर को एक्यूब करके अनएक्यूब कर देना है। बट ये सीक्रेट ट्रिक तो यार यहाँ पे काम ही नहीं कर रही, पुलिस वालों को बताता हूँ। ये जो पुलिस वाले हैं ना, इनकी वजह से ये सीक्रेट ट्रिक काम नहीं करी। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले आपको जो फेस है ना अपना सामने की तरफ करना है, और दीवार से जो ना बिल्कुल लग के खड़े हो जाना है। एंड उसके बाद जो ना जेट पैक तो हमने बाइक कर ही रखा था,
और अभी जो ना मैं जल्दी से जाता हूँ और ट्रांसफॉर्मर को जो ना एक्यूब करके अनएक्यूब कर देता हूँ। एंड फाइनली गाइस देखो अपना अंडरग्राउंड क्लिच जो है ना फिर से वर्क करने लग गया। एंड अभी आप देखो यहाँ पे जो ना ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, मतलब के फ्रेंड देखो ऊपर जो ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बस ये पुलिस वाले और इनकी कार वगैरह दिखाई दे रही हैं, बाकी जो अपनी पृथ्वी थी ना वो सब मतलब दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स आप भी जो ना उस सब बात को छोड़ते हैं, और भाई देखो ये पेड़ देखो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि हवा में लग रहे हो, और फ्रेंड देखो नीचे तो सब में पानी पानी दिख रहा है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। एंड अपना जो लाइट हाउस है ना अभी आप नीचे से देख ही सकते हो फ्रेंड्स, इसको चेक करो ये कैसा लग रहा है। एंड अभी मैं आपको जो ना इसको नीचे से बिल्कुल चारों तरफ से दिखाता हूँ और उसको जो ना नीचे से बिल्कुल सही करके दिखाऊंगा कि ये नीचे से कैसा लगता है। एंड इसको जो ना पानी में से भी दिखाऊंगा कि ये पानी में से कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स देखो अभी जो ना जल्दी से मैं आपको इसको दिखा के आता हूं। तो चलो फ्रेंड्स अभी जो ना जल्दी से चलते हैं हम इस लाइट हाउस को नीचे की साइड से देखने। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना आप यहां पे चेक कर ही सकते हो कि यहां से तो हम बाहर से भी आ सकते हैं, जहां से कर्नल अंकल के सामने से जो रास्ता है ना वहीं से हम यहां इस पे आ सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जो है ना हम यहीं से जा सकते हैं। एंड फ्रेंड्स देखो अभी जो ना, ओ भाई साहब ये कैसा बना हुआ यार यहां पे, मतलब के फ्रेंड्स ये देखो यहाँ पे कैसा बना हुआ है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा ये यहाँ पे इस टाइप का क्यों बनाया हुआ है यार। और फ्रेंड्स मेरे को तो एक बात और समझ में नहीं आ रही कि अपना लाइट हाउस देखो कितना ऊंचा है और ये जो ना यार पानी में ऐसे कैसे रुक रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और फ्रेंड्स देखो ये तो नीचे से कैसा ही लग रहा है यार, फ्रेंड्स मेरे को तो ये काफी अजीब लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स देखो इसकी जो ना एक साइड तो अभी बनी भी नहीं है और ये जो ना इतना बड़ा लाइट हाउस और इतना ऊंचा लाइट हाउस यार ये पानी में कैसे रुक रहा है। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना इसको और चारों साइड से देख के आता हूँ कि ये और साइड से कैसा दिखता है। एंड फ्रेंड्स अभी यहाँ से चेक करो, चलो अभी जो ना पहले पानी में ही चलते हैं। लेकिन गाइस एक मिनट, ओ भाई ये ऊपर से सब कुछ खाली है, मतलब के फ्रेंड्स ये क्या हो रखा है यार, ये लाइट हाउस तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मैं क्या करूं, ऊपर से देखो बिल्कुल सब कुछ खाली है और नीचे इसके पानी पानी है, और फ्रेंड्स ये इतना बड़ा लाइट हाउस पता नहीं कैसे रुक रहा है यार पानी में, समझ से बाहर बात हो रही है यार। और देखते हैं अभी इधर देखते हैं क्या होने वाला है। बट गाइज मेरे को तो कुछ भी, ओ फ्रेंड्स यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, बट अभी मेरे को जो ना इसका कुछ भी नहीं करना, अभी तो मेरे को जो ना ये लाइट हाउस देखना है। एंड अभी आपको मैंने ये लाइट हाउस तो दिखा दिया है, एंड अभी जो ना आपको मिलिट्री बेस भी दिखा के आता हूँ कि नीचे से मिलिट्री बेस कैसा दिखता है। सो फ्रेंड्स देखो अभी जो ना जल्दी से चलते हैं। एंड गाइस ओ फाइनली गाइस देखो यहाँ पे भी जो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक टैंक खड़ा हुआ है जो कि मैं कर्नल अंकल को दे के आया था, एंड उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। एंड लाइट हाउस ये रहा और कर्नल अंकल भी ये खड़े यार देखो मैं जो ना कर्नल अंकल के नीचे हूँ और कर्नल अंकल को पता ही नहीं है। चलो अभी जो ना उस सब बात को भी छोड़ते हैं, और पहले तो यार मैं जो ना जल्दी से वहीं पे चलता हूँ जहाँ पे मैं पहले गया था, मतलब के लाइट हाउस के नीचे चलता हूँ, और उसके बाद जो ना मैं आपको इसको नीचे जाके दिखाऊंगा, मतलब के पहले पानी में जाऊंगा और उसके बाद देख के आएंगे कि ये जो लाइट हाउस है ना अपना पानी में कितनी गहराई तक गया हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पे यार मेरे को तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये बना हुआ कैसा है, आपको कैसा लग रहा है मेरे को यार एक बार जो ना कमेंट करके जरूर बताना। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना थोड़ी ऊपर चलते हैं और इसको जो ना थोड़ी ऊपर से देखते हैं, और फ्रेंड्स ये वो रास्ता है जहाँ पे हम जो ना लाइट हाउस में एंटर करते हैं, और यहाँ जो है ना दूसरी दोनों साइड में जो ना यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं जिनमें जो ना हर टाइम पानी भरा रहता है। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना जल्दी से हम आगे की साइड चलते हैं और इसको जो ना आगे से देख के आते हैं। एंड ओ भाई यहाँ पे ये क्या बॉक्स है यार, मैं सोचा था पता नहीं क्या है। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना जल्दी से मैं पानी के अंदर चलता हूँ और इसको जो ना अंदर से देख के आता हूँ। एंड देखो फ्रेंड्स अभी जो ना मैं पानी में तो आ चुका हूँ, बट अभी देखो नीचे से कैसा है यार ये। ओ फ्रेंड्स देखो ये जो ना पानी के नीचे जमीन में भी नहीं गया हुआ यार, ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अगर किसी दिन इस पानी में तूफान आ गया ना तो भाई अपना जो लाइट हाउस है ना वो सब नीचे गिर जाएगा और ये जो ना ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब के फ्रेंड्स आप नीचे से इसकी बनावट देख रहे हो ना किस टाइप की है, और भाई इसको देख के तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे रुका हुआ है यार यहाँ पे। एंड फ्रेंड्स अभी जो ना जल्दी से मैं ऊपर चलता हूँ, वरना अगर मैं पानी में रहा ना तो अपना तो काम तमाम हो जाएगा यार। तो फ्रेंड्स देखो अभी जो ना उस सब बात को छोड़ते हैं, एंड अभी जो ना यहाँ से निकल के देखते हैं कि हम यहाँ से निकल सकते हैं क्या। एंड अभी देखते हैं ऊपर चलते हैं और ओ फ्रेंड्स देखो अभी जो ना मैं लाइट हाउस के ऊपर आ चुका हूँ।
एंड अगर मैं यहाँ से नीचे जाना चाहूँ ना तो फ्रेंड्स अब मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि अपना जो अंडरग्राउंड ग्लिच था ना वो वर्क करना बंद कर दिया है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, मैं जो ना इस बॉक्स के चक्कर में यहाँ पे आया था। सच ही कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। मैं जो ना यहाँ पे कुछ पैसे वगैरह के चक्कर में आया था कि इस बॉक्स में से मेरे को कुछ पैसे वगैरह मिल जाए। फ्रेंड्स ना तो मैं लालच करता और ना ही मेरे चोट लगती। कोई बात नहीं, अब तो लग गई और मेरे को जो ना 29 रुपये भी मिल चुके हैं। सो फ्रेंड्स अभी जो ना यहाँ से जल्दी से चलता हूँ। एंड फ्रेंड्स मैंने जो ना आज आपको लाइट हाउस नीचे से बिल्कुल सही से दिखा दिया है कि अपना लाइट हाउस नीचे से कैसा होता है और पानी में से अपना लाइट हाउस कैसे दिखता है। सो फ्रेंड्स आज की ये सीक्रेट ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।